अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत की अहमतरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप्ट को पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, आज के वीडियो में दोस्तों मैं शुरू करने से पहले कुवैत की कोई खबर बताने से पहले आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। यदि कोई भी आपका सवाल हो कुवैत के रिलेटेड, फ्लाइट को लेकर, वीज़ा को लेकर, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के सभी का जवाब देने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं सबसे पहली खबर वहां से कुवैत से क्या आ रही है। तो खबर ये आ रही है, आंतरिक मंत्रालय द्वारा बताया गया है कि दोस्तों एक नागरिक का वहाँ पर शव को उठाया गया, यानी लाश को उठाया गया है और उसे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को दोस्तों भेज दिया गया, क्योंकि दोस्तों उसके बेल्ट से अपने कमरे में आत्महत्या कर ली थी। दोस्तों इसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको बाप के द्वारा दिया गया था, पुलिस स्टेशन में फोन किया गया था। उसके बाद वहाँ जब पुलिस पहुंची तो दोस्तों उसको बॉडी को नीचे उतारा गया। फिलहाल वो रहने वाला कुवैत का ही है और बेल्ट से, अपने जो बेल्ट पहना होता है दोस्तों उसी से पंखे में लगाकर उन्होंने आत्महत्या कर ली है। फिलहाल दोस्तों उसकी मौत की पुष्टि जो है वो कर दी गई है और उस पर छानबीन चल रही है कि उसका उन्होंने आत्महत्या किया था या फिर किसी का ये साजिश है। अगली खबर साथियों आ रही दोस्तों, ये ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर आ रही। तो साथियों जो भी वहां पे कुवैत में ड्राइवर लोग हैं तो आप लोग अब सावधान हो जाइए, जिनका कुवैत में कोई लाइसेंस है या गल्फ लाइसेंस या कोई भी लाइसेंस है तो दोस्तों सावधान हो जाइए, क्योंकि वहां पे कुवैत में लगभग अभी 10,000 लोगों को लाइसेंस को वहां पर रद्द किया गया है और कुछ लोगों का दोस्तों वहां पर लाइसेंस को ले लिया गया है। और दोस्तों उसके वजह बहुत सारा है, कोई गाड़ी तेज चलाता है या कोई पे उसके पर कोई केस था, अलग अलग वजहों के कारण दोस्तों उन लोगों का सभी को लाइसेंस को वापस लिया गया, सभी को लाइसेंस को रद्द किया गया है। और कुवैत में ये हुकूमत की तरफ से, ट्रैफिक डिपार्टमेंट तरफ से बता दिया गया है कि अब उन्हीं को कुवैत की लाइसेंस दिया जाएगा जो कि बिल्कुल उसके लिए तत्पर होंगे, जो बिल्कुल ड्राइविंग के लिए जो माहिर हों उन्हीं को अब दिया जाएगा और सभी को अब कुवैत में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों जो भी लोग कुवैत में ड्राइविंग लाइसेंस अब लेना चाहते हैं तो कुवैत में ड्राइविंग लाइसेंस लेना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। अगली खबर साथियों जो आ रही है, साथ बताना चाहूंगा साथियों, एक कुवैती शख्स, उन्होंने एक वीडियो को इंटरनेट पर वायरल किया है जो कि एक एक्सीडेंट का वीडियो है। दोस्तों उसमें उसकी माँ का वहां पे इंतकाल हो गया है, गाड़ी का एक्सीडेंट था। तो दोस्तों उनका मकसद ये था वीडियो को वायरल करने के लिए, क्योंकि वो दुनिया को लोगों को बताना चाहता था कि गाड़ियों को तेज ना चलाएं और लापरवाही से ना चलाएं, और सभी से ये रिक्वेस्ट किया है कि जो भी लोग आप लोग गाड़ी चलाते हैं स्पीड में तो अपने बारे में भी सोचे और दूसरे के बारे में भी सोचे। ये दोस्तों वीडियो को जो है वो शेयर किया गया है कुवैती नागरिक की तरफ से। दोस्तों फिलहाल उसकी मां को उस गाड़ी में ही मौत हो गई थी और गाड़ी का पूरा थरकच्चा पूरा उड़ चुका था, यानी दोस्तों गाड़ी की बहुत ही ज्यादा बदतर हालत हो गई थी। अगली खबर की ओर चलते साथियों, अगली खबर जो है दोस्तों बताना चाहूंगा आपको कि दो प्रवासी वहां पे डूब गया है। दोस्तों जो मसीला समुद्र तट है वहां पे एक दोस्तों वहां पे दो प्रवासी वहां पे लापता हो गया था, जिनमें से एक और अभी तक लापता है। एक की मौत की पुष्टि हो चुकी है और एक दोस्तों अभी भी वहां पर छानबीन किया जा रहा है, उम्मीद जताई ये जा रही है कि उसका भी मौत हो चुका है। तो दोनों का दोनों जो लोग हैं वो प्रवासी यानी दूसरे देश के हैं और ये मेसिला जो समुद्र है दोस्तों वहीं के पास की ये घटना है। तो फिलहाल एक की मौत की पुष्टि हुई, दूसरी का भी दोस्तों छानबीन अभी चल रही है, जैसे कोई इस पर रिपोर्ट आएगा तो मैं आप तक जरूर बताऊंगा। अगली खबर साथियों जोहारी बताना चाहूंगा साथियों, अल जहरानी जो कि लेबनान में पड़ता है। साथियों लेबनान जो देश है वहां पर एक जगह का नाम है, सिटी का नाम है अल जहरानी। दोस्तों वहां पर एक तेल के कुएं में आग लग गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा भीषण आग लगा है। दोस्तों उसके लिए कुवैत हुकूमत की तरफ से ट्वीट करके अपना दुख व्यक्त किया गया है, बहुत सारे लोगों की मारे जाने की दोस्तों उम्मीद वहां पे जताई जा रही है। तो ये कुछ अपडेट थी, कुछ खबरें थी जो कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक लिए अल्लाह।